हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GSTR 2A और GSTR 2B के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और साथ में ये भी जानेंगे कि GSTR 3B के रिटर्न फाइल करते टाइम हमें कौन से ITC को क्लेम करना चाहिए, GSTR 2A के ITC को या GSTR 2B के ITC को। ये जो वीडियो है उन भाइयों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी अकाउंट लाइन में नए आए हैं या वो फ्रेशर हैं, या ऐसे भी बहुत सारे अकाउंटेंट होंगे जो जिनको कि ये चीज़ नहीं पता होगा, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम GSTR 2A और 2B के बारे में समझेंगे कि ये 2A में कौन सा डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है, 2B में कौन सा डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है, उसके बाद ही आप लोगों को इसके डिफरेंस समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक सीट पे हमने एक पे GSTR 2A खोला है और दूसरे पे हमने GSTR 2B खोला है ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं GSTR 2A का। तो GSTR 2A में वही सारे परचेज का आपका इनवाइस आता है। अगर जैसे मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आपने मई का दो GSTR 2A चेक कर रहे हैं, तो आपने मई में जितने भी परचेज किया होगा वही इनवाइस आपके GSTR 2A में शो होगा जब आपके सप्लायर GSTR 1 को फाइल करेगा, है ना। जब आपकी सप्लायर जिसे आपने परचेज किया है वो सप्लायर अगर GSTR 1 को फाइल करता है और मई के आप GSTR 2A चेक कर रहे हैं, तो केवल मई का ही इनवाइस आपके GSTR 2A में शो होगा। अगर आपके सप्लायर कोई प्रीवियस पीरियड का कोई इनवाइस मई के GSTR 1 में डाल देता है और वो रिटर्न को फाइल करता है, तो आपके 2A में नहीं शो होगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपने मई में जितने भी परचेज किया होगा वो सारे इनवाइस आपके GSTR 2A मई में आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैं चेक करा के देखूँ तो यहाँ पे एक एक करके मैं यहाँ पे देखूँगा, तो यहाँ पे आपको सारे इनवाइस जो होंगे ना वो मई पीरियड के दिखेंगे। GSTR 1 ये मई पीरियड के जितने भी इनवाइस है आपके मई पीरियड के यहाँ पे शो होंगे। इसके सामने भी इनकी डेट भी दिखेगा कि आपके जो सप्लायर है वो GSTR 1 को कितने तारीख को फाइल किया है। वहीं पे अगर हम बात करें GSTR 2B को, तो GSTR 2B में वो सारे इनवाइस शो होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई सप्लायर है, आपने मई में 10 बिल परचेज किया और 2 बिल उसने अप्रैल का उठा के आपके मई के रिटर्न में उसने डाल दी, यानी GSTR 1 जब वो फाइल कर रहा है 10 आपके मई के बिल डाल दिया और 2 उसने डाल दिया आपके अप्रैल का, तो ये 12 बिल टोटल आपके GSTR 2B में मई के GSTR 2B में शो होगा। यानी अगर जो सप्लायर आपके मई के GSTR 1 में जितने भी इनवाइस डाल के अपने GSTR 1 को सबमिट करेगा वो सारा इनवाइस आपके GSTR 2B में शो होगा। तो डिफरेंस यहाँ पर सिंपल सी है कि GSTR 2A में केवल जिस पीरियड का आप 2A चेक कर रहे हैं उसी पीरियड का आपका इनवाइस शो होता है, और GSTR 2B में वो सारे इनवाइस शो होते हैं जो कि आपके सप्लायर GSTR 1 में डाल के रिटर्न को फाइल करता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे मई का GSTR 2B यहाँ पे ओपन किया है और मई के GSTR 2B में यहाँ पे 17 अप्रैल का एक बिल शो हो रहा है ना, जो कि GSTR 2B में ये जो सप्लायर है अपने GSTR 1 जब फाइल किया होगा तो GSTR 1 फाइल करते टाइम अपने मई का बिल तो डाला है, साथ में इसने अप्रैल का भी एक बिल इसमें डाला हुआ है जो कि आपके GSTR 2B में शो हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि GSTR 2B में अगर सप्लायर किसी भी पीरियड प्रीवियस पीरियड का अगर इनवाइस आपके करंट पीरियड में डालता है तो वो आपके GSTR 2B में शो होता है। तो ये सिंपल सी डिफरेंस है। GSTR 1 में आपके उस सेम पीरियड का कोई अगर जिस पीरियड का आप 2A चेक कर रहे हैं तो उसी पीरियड का आपका इनवाइस परचेज इनवाइस शो होता है, और 2B में आपको अगर सप्लायर आपका जो सप्लायर है उस GSTR 1 में जिस भी पीरियड का इनवाइस अगर डालेगा तो उस सारे इनवाइस आपके उस पीरियड में शो होगा जिस पीरियड का वो आप चेक कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि GSTR 3B में कौन से ITC को हमें क्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि GSTR 3B जब भी तैयार करें डाटा या GSTR 3B को फाइल करें तो उस टाइम सबसे पहले आपको GSTR 2B के डाटा से हम चेक करते हैं कि GSTR 2B में जो ITC है वो ITC आपके बुक में है कि नहीं, क्योंकि हम जब भी GSTR 3B में ITC क्लेम करते हैं तो 2B के हिसाब से ही करते हैं, 2A के हिसाब से नहीं करते। 2A में केवल अपने करेंट पीरियड का आप इनवाइस को चेक कर सकते हैं, लेकिन जब ITC क्लेम करने की बात आती है तो हम GSTR 2B से ही ITC को क्लेम करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया
कि 2B में और 2A में क्या डिफरेंस है, ITC किसे हमें क्लेम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जेस्टर 3B में जो ITC ऑटो पॉपुलेट होके आता है, क्या वो जेस्टर 2B से आता है 2A से आता है। तो मैं आप लोग को एक बार यहाँ पर लाइव दिखा दूँ, जब एलिजिबल ITC जेस्टर 3B में जाएंगे तो यहाँ पर जब ऑल अदर ITC पर चेक करेंगे यहाँ पर टोटल, तो ये जो ITC आपको यहाँ पर शो होगा IGST CGST HGST ये सारा अमाउंट आपके जेस्टर 2B में जो ITC शो होता है उससे ये मैच होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब जेस्टर 3B ITC क्लेम करते हैं वो 2B से करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ क्लियर हो गया कि जेस्टर 2A और जेस्टर 2B में क्या डिफरेंस है, ITC को हमें कौन से ITC को चेक करना चाहिए, जेस्टर 2B के या जेस्टर 2A के। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।